नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको किसानों के हित में 30 अगस्त 2019 की लेटेस्ट न्यूज बताने वाला हूं, इसलिए किसान भाई इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों जान लीजिए कि राज्य सरकार प्रदेश में 25 लाख किसानों को मिलता है लोन। अब तक 52 लाख आवेदन किए गए हैं तस्दीक। राज्य में यूँ तो करीब 58 लाख किसान कर्ज की बेड़ियों में हर साल बंधते हैं, लेकिन इनमें से 25 लाख किसान ही राज्य सरकार की ऋण पात्रता पर खड़े उतर पाते हैं। शेष 33 लाख किसान राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्ज लेकर खेतीबाड़ी कर रहे हैं। इसके उलट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आर्थिक लाभ लेने के इच्छुक किसानों की संख्या राज्य के कर्जदार किसानों से ज़्यादा है। इस योजना में अब तक आवेदनों का जो सच सामने आया है उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि 60,78,000 किसान तो अब तक आवेदन कर चुके हैं। अभी आवेदन चल रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को एक साल में 6,000 रुपये देना तय है। ये सहायता 2,000 रुपये 3 किस्त में मिलेगी। इसके लिए 16 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन पोर्टल शुरू किया गया था। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरह इस बार अल्पकालीन फसली ऋण के लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की है। ऑनलाइन पोर्टल पर 3 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू है। इस पर 18 लाख किसान आवेदन कर चुके हैं। अल्पकालीन फसली ऋण उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जो ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्य हैं। इस पर सरकार की सदस्यों की संख्या बढ़ाने का भी दावा कर रही है। ये है दोस्तों किसानों के लिए हाल की लेटेस्ट न्यूज़।